नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी चंडीगढ़। जी आज चर्चा का विषय है हमारे साथ मी टू कैंपेन। मी टू कैंपेन क्या है? मी टू कैंपेन 2 साल पहले विदेशी महिला द्वारा चलाया गया था, जो कि सोशल मीडिया में बहुत सा वायरल हुआ था। यह क्यों चलाया गया था? क्योंकि मी टू कैंपेन के तहत उस विदेशी महिला ने एक पुरुष पर आरोप लगाए थे कि उस पुरुष ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है, यौन शोषण किया है, और हवा की तरह फैल कर पूरी दुनिया में मी टू कैंपेन भारत पहुंचा। भारत में ये कैंपेन तनुश्री दत्ता ने हैंडल किया। तनुश्री दत्ता ने हैंडल करके इस मी टू कैंपेन के अंदर नाना पाटेकर पर आरोप लगाए कि नाना पाटेकर ने 2008 में उनकी फिल्म फौरन ओके प्लीज के सेट पर शूटिंग के दौरान उनसे बदतमीजी की, उनका शारीरिक उत्पीड़न करने की कोशिश की। तो उस फिल्म के सेट पर जब गणेशाचार्य कोरियोग्राफर थे, तो तनुश्री दत्ता ने गणेशाचार्य पर भी आरोप रखे कि इन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। और उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुई 2 साल पहले, जब तनुश्री दत्ता का मी टू कैंपेन चला। उस वीडियो में तनुश्री दत्ता गाड़ी में अपनी परिवार के साथ बैठी है और बाहर 10 से 12 लोग, मतलब बहुत सारे, कोई उनके शीशे पर मार रहा है, कोई खिड़की पर मार रहा है गाड़ी की, तो इस तरह से हरासमेंट किया गया था। तो नहीं पता उस टाइम पे तनुश्री दत्ता ने यह भी कहा था कि 2008 में भी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन बहुत दबाव पड़ा पुलिस प्रशासन पर भी और कंप्लेंट का कुछ नहीं हुआ। और 2017 में मी टू कैंपेन पर वापस आई 10-12 साल बाद तनुश्री दत्ता, तो उन्होंने फिर से ये कहा कि उनकी कंप्लेंट लिखी जाए। लेकिन 2 साल बाद कल नाना पाटेकर को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। तनुश्री दत्ता को जब इस बात की भनक लगी कि नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी गई है मी टू कैंपेन के तहत, तो तनुश्री दत्ता ने फिर से सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा जाहिर किन शब्दों में किया? उन्होंने सीधा सीधा निशाना पुलिस प्रशासन पर रखा। पहले तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने भ्रष्ट पुलिस कहा, फिर उन्होंने न्यायपालिका को भ्रष्ट कहा। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को ये बोल रहे हैं कि ये जो मी टू कैंपेन के तहत कंप्लेंट लिखी गई थी, ये बेबुनियादी थी, बिल्कुल बिना सबूतों के थी, कोई इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन तनुश्री दत्ता बार बार ये कह रही है कि उनकी गाड़ी पर जो लोग उनकी गाड़ी को घेरे हुए थे, उन्होंने उनको हराश किया, उसके बारे में भी उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी, लेकिन लिखवाई थी, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम एक बात और इसमें शामिल करते हैं, तनुश्री दत्ता आई हैं कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ था, यौन शोषण हुआ था। लेकिन आपको बताते हैं, तनुश्री दत्ता ने 2006 में अपनी पहली फिल्म आशिक बनाया में रोल निभाया था, और वो एक मॉडल के तौर पर इंडस्ट्री में आई थी। मॉडल से वो आशिक बनाया फिल्म में ली गई, और उन्होंने आशिक बनाया में इमरान हाशमी के साथ एक सॉन्ग आशिक बनाया आपने में आप देख सकते हैं, उसमें इतने बोल्ड सीन दिए हैं कि आप परिवार के साथ या देखेंगे भी तो आपको लगेगा कि लज्जा महसूस हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि एक फिल्म नायिका 10 साल बाद आती है और कहती है मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, मेरा यौन शोषण हुआ है, लेकिन क्या पैसे के लिए फिल्म में रोल देना और पैसे लेना, तो क्या पैसे के लिए एक नायिका किसी हद तक कोई भी सीन करने को तैयार हो जाती है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या पैसे के लिए कोई भी सीन करने को कोई नायिका तैयार हो जाती है या नायक तैयार हो जाता है? और उसके बाद वो आता है, वो कहता है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। यदि आप पहले ही सोसाइटी को अपनी पिक्चर ऐसी दे रहे हैं कि आप बिल्कुल बोल्ड हैं, आप बिल्कुल अश्लील हैं, और फिर आपकी बातों पर कौन यकीन कर सकता है? तो
ये चर्चा का विषय था आज के लिए। अगली बार फिर लौटेंगे एक चर्चा के विषय को लेकर आपके साथ। धन्यवाद। मैं हूँ पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।